क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट, एक्सरसाइज 9.1, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल टू स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। मतलब उसने, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने इंस्टॉल करने का प्लान किया टू स्लाइड्स को बच्चों के लिए, टू प्ले इन ए पार्क, पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। वो बच्चे जिनकी एज 5 ईयर्स से कम है, सी प्रेफर्स टू हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट द हाइट ऑफ 1.5 मीटर। उसका टॉप 1.5 मीटर पर होना चाहिए एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो एंगल होना चाहिए वो 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइनेशन होना चाहिए टू द ग्राउंड, ग्राउंड से। जबकि जो एल्डर चिल्ड्रन है वो चाहता था, सी वॉन्ट्स टू हैव ए स्टीप स्लाइड, वो चाहती थी कि एक स्टीप स्लाइड हो एट हाइट ऑफ 3 मीटर, उसकी हाइट इससे डबल हो मतलब, एंड इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, और इंक्लाइनेशन जो है एंगल का वो भी 60 डिग्री हो टू द ग्राउंड, ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केस में स्लाइड की लेंथ क्या होगी वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम स्लाइड्स बना लेते हैं यहाँ पर। फर्स्टली जो हम बनाएंगे वो 1.5 मीटर की स्लाइड बनाएंगे, ये है 1.5 मीटर। ओके, और इसमें जो एंगल है वो है हमारा 30 डिग्री। ओके, एक दूसरी स्लाइड बनाई है उसने और उसका एंगल है 60 डिग्री, और इसकी जो हाइट है वो है 3 मीटर, राइट। सो ए बी सी और पी क्यू आर, राइट। सो मेनली हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ स्लाइड। इसको हमने एक्स लेट कर लिया है और इसको वाई लेट कर लिया है, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल है, इसकी स्लाइड की लेंथ फाइंड करनी है। हमारे पास परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, इसका भी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनियस है, तो कुछ नहीं करना है, साइन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में साइन 30 क्या फॉर्मूला होता है, पी अपोन एच, राइट। सो व्हाट इज पी, पी क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर दैट इज बी सी, और हाइपोटेनियस क्या है हमारे पास, ए सी, राइट। साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1/2 इक्वल्स टू बी सी क्या है हमारे पास 1.5, और ए सी है हमारे पास x, क्रॉस कर देंगे, सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 3, क्या हो जाएगा x, 3 मीटर, राइट। तो इसकी जो लेंथ होगी वो 3 मीटर हो जाएगी। अब सेकेंड वाले के लिए फाइंड करते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, अब पी क्यू आर फाइंड करेंगे, पी क्यू आर के लिए भी सेम, साइन 60 क्या हो जाएगा, पी अपोन एच, और यहाँ पर हमारा पी कितना है, क्यू आर, और एच कितना है हमारे पास, पी आर, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, तो ये हो जाएगा √3/2, और क्यू आर, क्यू आर है हमारे पास 3, और पी आर है हमारे पास y, क्रॉस करेंगे तो √3 = 6 हो जाएगा। सो y कितना हो जाएगा, 6/√3। आपको बताया था कि अपोन में कोई भी वैल्यू रूट में हमें नहीं चाहिए होती है, तो इसको रेशनलाइज करेंगे, सो 6√3/3, 3 × 2 = 6, सो 2√3। सो y कितना हो जाएगा, 2√3 मीटर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ स्लाइड्स आर 3 मीटर एंड 2√3 मीटर। ओके, ये हमारा आंसर हो गया।